नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में जितने भी उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने अपना जलवा बरकरार रखा है। 15 साल तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और हर उपचुनाव में उसने बेहतर परफॉर्म किया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में हर साल उपचुनाव हुए हैं और अब तक कुल 5 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें सभी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अगर दंतेवाड़ा उपचुनाव की बात करें तो सन 2019 में पहला उपचुनाव दंतेवाड़ा से भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या के बाद कराया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा ने यह चुनाव जीता। कांग्रेस प्रत्याशी को 43.65% और भाजपा प्रत्याशी को 33.89% वोट मिले, यानी दोनों ही प्रत्याशियों को साल 2018 में मिले कुल वोट प्रतिशत के लगभग बराबर ही वोट मिले। हालांकि नोटा पर 3% ज्यादा वोट पड़े। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव 2019 की बात करें तो दीपक बैज के सांसद चुन लिए जाने पर चित्रकूट में नया विधायक चुना गया। 2018 में हुए चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा के लच्छूराम कश्यप को 17,770 वोटों से हराया था। दीपक बैज को 62,616 वोट मिले थे, जबकि लच्छीराम कश्यप को 44,846 मत मिले। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामजन बेजान को 47.31% वोट मिले। साल 2018 के कुल वोट प्रतिशत के मुकाबले 4% से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा। वहीं भाजपा प्रत्याशी लच्छूराम कश्यप को 33.70% यानी साल 2018 के कुल वोट प्रतिशत के बराबर ही वोट मिले। 2020 का मरवाही विधानसभा उपचुनाव कराया गया, जो कि अजीत जोगी के निधन से खाली हुई सीट के लिए कराया गया था। और विधानसभा चुनाव 2018 में मरवाही सीट से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी। यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्चना पोर्ते दूसरे नंबर पर थी। अजीत जोगी को यहाँ 70,041 वोट मिले थे, जबकि अर्चना ने 27,579 वोट हासिल किए थे। इस तरह अजीत जोगी ने 46,662 मतों से यहां बंपर जीत हासिल की थी। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण कुमार ध्रुव को 56.09% वोट मिले थे। कांग्रेस ने बंपर जीत दर्ज यहां की और साल 2018 के कुल प्रतिशत के मुकाबले करीब 13% से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को 30.45% वोट ही मिले, यानी भाजपा इस उपचुनाव में भाजपा के करीब 2.5% वोट परसेंटेज गिरा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव के, जिसमें आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोगों में खासी नाराजगी थी। माना जा रहा था कि इसका सीधा लाभ या तो भाजपा को मिलेगा या फिर सर्व आदिवासी समाज के निर्दलीय उम्मीदवार को, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। जीत का अंतर भी काफ़ी था, लगभग 21,000 मतों से कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने इस सीट में जीत हासिल की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव 2018 के बाद लगातार जनता का कांग्रेस पर यकीन बढ़ रहा है? क्या भाजपा जनता की गुड बुक से अपना स्थान खो रही है या फिर यह महज इत्तेफाक है? क्या उपचुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है? क्या बीजेपी लगातार जनता का समर्थन खो रही है? इन सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।